So hey guys, welcome to my channel. Here I am back with another amazing topic. तो जैसे कि आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है और जिसकी हाइट लगभग 8849 मीटर्स है, जिसे अब तक 4000 से भी ज्यादा माउंटेन क्लाइंबर्स क्लाइंब कर चुके हैं। पर वहीं बात करें माउंट कैलाश की, तो इसकी हाइट 6638 मीटर्स, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से लगभग आधी है, पर भी इसे आज तक कोई भी माउंटेन क्लाइंबर क्लाइंब नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी कमेंट तो जरूर करो। तो माउंट कैलाश हिंदू, जैनिस, बुद्धिस्म और बोइंस में बहुत ही सैक्रियस मतलब धार्मिक पर्वत है। तो माउंट कैलाश के इतने रिलीजियस पर्वत होने के कारण से चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी माउंटेन क्लाइंबर को इस पर्वत को क्लाइंब करने की इजाजत नहीं देता है। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से संत इस माउंट कैलाश के गुफाओं के अंदर अभी भी तपस्या कर रहे हैं, जिनको डिस्टर्ब करना घोर पाप है। और हिंदू में ऐसा माना जाता है कि शिव जी का पूरा परिवार इसी पर्वत पर रहता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई माउंट कैलाश को क्लाइंब नहीं करना चाहता था। बहुत से माउंटेन क्लाइंबर्स में इंटरेस्टेड थे, पर चाइनीज सरकार ने उनको इजाजत नहीं दी। बट मैं आपको बताता हूँ, एक स्पेनिश माउंटेन क्लाइंबर्स ग्रुप ने माउंट कैलाश को क्लाइंब करने का मन बना लिया था, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर इसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स था ये देखिए। हम इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहते थे और सभी लोगों के दिल में अलग जगह बनाना चाहते थे, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम किसी और इससे ज्यादा मुश्किल पहाड़ के चलने का ट्राई करते हैं। माउंट कैलाश ना ही इतना ऊंचा है और ना ही इतना मुश्किल है जिसे हम क्लाइंब ना कर पाए। तो ये वो स्पेनिश माउंटेन क्लाइंबर्स ग्रुप ने ऐसा जवाब दिया। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि कितना सही है कितना गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम। गुड बाय।